मौसी दुल्हन का लहंगा पूरे टावा में ढूंढा तब जाके मिला। नहीं नहीं थकती नहीं मैं, अभी तो बहुत काम करूंगी। पसंद अच्छी है मेरी, सब यही कहते हैं। राची सुनो, हम ये पकौड़ियां तल रहे हैं, तब तक तुम एक काम करो, मैंने चाय बना दी है सबके लिए, जाके दे दो। बुआ जी को जरूर दे देना, बात बात में मुंह पिला देती है। अरे नहीं, मैं नहीं रखवाया, मैं बर्तन भी साफ करने अभी। बुआ जू चौक उल्टो नहीं मेरो पूछा, भाभी उल्टो है ना, ले आम कर रहे। अरे नहीं नहीं बुआ जी थकती नहीं मैं, मेरे से 100 लोग का खाना बनवा लो, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ तो मेरे भाई की शादी है, नाचूंगी नहीं। मौसी बुआ कह रही थी कि जब भैया की विदाई होके आए भाभी गेट पे खड़ी हो तो खड़ी हो जाना, बोलना 10,000। तो हमने मना कर दिया, 11 दे दो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। हाँ मम्मी जी दुल्हन का लहंगा। हाँ तो पूनम दीदी को भेज दो, मेरी पसंद इतनी अच्छी नहीं है, और मम्मी जी हमने ऊपर नीचे सुबह से इतनी बार किया, हमारी कमर में दर्द हो गया, मैं तो थक गई। इसका कहाँ रख रही है, सही से रखो और तुम्हारे भैया का नाम जरूर डाल दियो। हाँ मम्मी जी चाय, हम तो मेहंदी रखवा रहे, इतने सारे रिश्तेदार हैं, काकू बोल दो खाए बे किन के रिश्तेदार, बस काम करें हम। रेखा दीदी एक सब्जी देख लियो, हमारे तो ठाड़े ठाड़े कमर में दर्द हो गया, मैं तो थक गई। मम्मी जी हमें चौक करना आता थोड़ी नहीं है, बुआ जी कर तो रही हैं, करने तो सही तो कर रही हैं, हम करेंगे तो उल्टा हो जाता है हमसे। अरे यार आप लोग तो पीछे ही पड़ के रह गए, सही में हमने कभी नहीं नाचा, हमें आता ही नहीं है नाचना। हाँ हम कर देते हैं, देवर की शादी है, खुशी तो है और क्या। रेखा भाभी इधर आओ, देखो तुम भाभी हम भाभी एक एक आंख में काजल लगाए पर पैसा से नहीं मानियो, एक एक सोने की अंगूठी मांग लियो। तुम पहले बोलती तो पीछे समूह बोल दिए, नहीं तो घर की भाभी पहली अंगूठी मांग रही।